Bye. <laughs> को अलख आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज जो विषय रखने जा रहा हूं बड़ा गूढ़ है और इस इससे बहुत सारी जो आप लोगों की समस्या है वो सुलझेगी जब आप लोग साधनाओं में सुनते हैं कि हजार माला करना है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हजार माला जाप होगा कैसे हजार माला जाप तो बहुत ज्यादा होता है दूसरा कि किस माला का किस साधना के लिए प्रयोग करे तीसरा कि माला का संस्कार करना पड़ता है क्या तो इन सब सवालों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा मूल रूप से सनातन धर्म में तीन मालाओं का प्रयोग होता था ठीक है रुद्राक्ष स्पेटिक और तुलसी माले का बाद में चंदन का माला जो थोड़े रहीस थे उनके लिए और उच्चिष्ट के रूप में मिट्टी के माला का प्रयोग होने लगा दसवीं शताब्दी के बाद से काला हकीक और लाल हकीक भी प्रयोग में आने लगा क्योंकि जो छठी शताब्दी सताद से लेकर के जो बारहवीं शताब्दी का समय था ये हमारे धर्म में काफ़ी एक्सपेरिमेंटल रहा शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ नाथों का प्रादुर्भाव हुआ तंत्र का एक अलग पूरा संरचना बना इस काल में तो चीज़ें बदलती रहीं जो नहीं बदला वो था हमारा रिलीजियस टेक्स्ट जिसमें एक बार लिख दिया गया कि इस मंत्र का इस वशीकरण मंत्र का सौ माला जाप करना है तो आप परेशान कि सौ माला कैसे जाप करेंगे या इस उच्चाटन मंत्र का दस हजार बारा, दस हजार माला जाप करना है तो कैसे होगा दस हजार माला जाप क्योंकि हमारा जो माला का समझ है वो एक सौ आठ मालाओं का है एक सौ आठ मंत्रों की मालाएं होनी चाहिए अच्छा उसमें भी जब आप मंत्र कर लेते हैं एक सौ आठ बार करके भी दस हज़ार माला तब भी जो है साधना सफल नहीं होती अब इसका कारण है पूर्ण ज्ञान नहीं होना पूर्ण ज्ञान आगे नहीं बढ़ाना पूर्ण ज्ञान को ग्रंथों में रखना ये हमारे यहाँ का एक प्रचलन रहा है तो बहुत सारा ज्ञान जल गया हम लोगों का इसी चक्कर में बहुत सारा ज्ञान जो है कलकत्ता की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है माला जो होता है ये एक ये विषय मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि माला जो होता है वो अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग होता है जो देव ध्यान के लिए जो प्रयोग होगा वो माला 108 सौ का होगा ठीक है 108 सौ मन के हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि महादेव 108 सौ मुंड माला धारण करते हैं 108 जो मुंड महादेव धारण करते हैं वो सती का 108 जन्म माना जाता है सती को महादेव मतलब एप्सल्यूट होने में 108 जन्म लगे थे हम लोग तो खैर कलयुग में सिद्ध और महादेव के समकक्ष और खुद को अवधुत घोषित करने वाले कई लोगों से मिल चुके हैं <laughs> लेकिन सती को अवधूत होने में एक सौ आठ जन्म लगे थे तो एक सौ आठ मनकों का प्रयोग होता है देवता के ध्यान में ठीक है जब आप वशीकरण करते हैं या आकर्षण करते हैं या मोहिनी करते हैं तो भगवती ने धारण किया है चौवन मनकों का माला तो हम वशीकरण आकर्षण और मोहन में चौवन मनकों के माला से जाप करते हैं चौवन मनकों का माला एक माला गिन, गिना जाता है जब आप वशीकरण या मोहिनी करते हैं ठीक जब मारन स्तंभन या उच्चाटन विद्या करते हैं जो उल्टी विद्याएं हैं तो सत्ताईस या चौबीस मनकों की माला का प्रयोग होता है इसमें 27 और 24 का मैं आप लोगों को विभाजन नहीं बताऊंगा जानबूझ करके लेकिन एक में 27 एक में 24 का प्रयोग होता है तो जब आपको बोला जा, जाए कि 24 मतलब आपको बोला जाए कि इन इस स्तंभन के लिए सौ मालाओं का जाप करना है तो सौ माला का मतलब दस हज़ार ना होकर के आपको मात्र चौबीस सौ माला का 2400 चौबीस सौ गिनती करनी होती है दूसरा जब भी आप जाप करते हैं तो देखो अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये गोमुखी का प्रयोग करते हैं मतलब जिसमें रख के मालाओं का जाप होता है देखो मालाओं का जब जाप होता है ना अगर आप असमशान भूमि में जाप कर रहे हो हाँ तो मालाओं को ढका नहीं जाता है लेकिन असमशान भूमि के अलावा अगर आप कहीं भी जाप कर रहे हो तो आपके पास एक गोमुखी होना चाहिए मतलब गोमुखी जिससे कि आपका इंडेक्स फिंगर बाहर निकल जाए ठीक है और आप जाप करो मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे भगवती का जाप जो है वो उसमें हम थम से उसको रिंग फिंगर के ऊपर माला रख के फिर जाप करते हैं ठीक है और जब भगवान का जाप करते हैं तो मिडिल फिंगर के ऊपर रख के उसको थम से खींचते हैं है ना अभी जो फ़ोटो में दिया गया है वैसा कभी हम लोग जाप नहीं करते <laughs> इंडेक्स फिंगर के ऊपर माला सटनी भी नहीं चाहिए इसलिए हम लोग गोमुखी का प्रयोग करते हैं गोमुखी से उंगली बाहर आ जाती है तो जब आप वशीकरण करते हैं तो गोमुखी जो है वो लाल रंग का होना चाहिए ठीक है और उसका जो साइज है आपकी उंगली से नौ उंगली होनी चाहिए ठीक है नौ उंगली का गोमुखी आप प्रयोग करेंगे जब आप नौ उंगली की गिनती करते हैं तो अगल बगल हथेली तो एक बार हथेली रखा फिर दूसरा बार हथेली रखा फिर एक उंगली काउंट किया वैसे लाल रंग का नौ उंगली का गोमुखी का प्रयोग करते हैं यह वशीकरण में होता है जब आकर्षण के लिए आप विद्या का प्रयोग करेंगे तो हरे रंग का और पच्चीस उंगली का गोमुखी का प्रयोग करेंगे ठीक है और वही जब मोहिनी का प्रयोग होता है जो चितकबरे रंग का काला सफेद मिला होना चाहिए के गोमुखी का प्रयोग करते हैं मोहिनी में गोमुखी का लेंथ नहीं बताया जाता है ठीक है स्तंभन और उच्चाटन जब कोई करता है तो उसमें सफेद रंग के गोमुखी का प्रयोग होगा और बत्तीस उंगली की गोमुखी होगी ठीक है और जब मारन करेंगे तो नीले रंग का इसका लेंथ में नहीं बताऊंगा ठीक है तो ये अलग अलग गोमुखी है भगवती का जाप सुभा रुद्राक्ष और शाम में स्पेटिक से करना चाहिए तंत्र में जो है जो तंत्र में है जो साबर मंत्र करते हैं वो काला हकीक का प्रयोग कर सकते हैं लाल हकीक का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है महादेव का जाप भैरव महाराज का जाप ये हमेशा आप रुद्राक्ष पे सुबह या शाम कर सकते हैं बाकी देवताओं के लिए अलग अलग मालाओं के मनकों का अपना एक विस्तार है वो तो हर साधना में अलग अलग मन के रहते हैं एक विषय और जब इस विषय का अध्ययन कर रहा था तो मैंने कहीं एक वीडियो देखा जिसमें कि शंखमाला बनाना सिखा रहा था तो जो शंख हम प्रयोग करते हैं घर को सजाने के लिए उस शंख को वो धागे में बांध के शंखमाला बना रहा था शंखमाला ऐसा नहीं होता है शंखमाला का प्रयोग गृहस्थ नहीं करते हैं ऐसे शंखमाला बनाने का जो तरीका है वो कपाल के कुछ हड्डियों से बनता है और उसमें कपास के सूत से उसको जोड़ा जाता है लेकिन ये प्योर तांत्रिक क्रिया है काली और तारा के प्रत्यक्षीकरण के लिए तो कहीं भी कोई आपको बोले कि आप शंख माला का प्रयोग करें तो आप उससे बच गए ठीक है अब माला संस्कार की जहाँ तक बात आती है तो उसमें एक विधान है कि आप कुलाकुल चक्र बना करके ठीक है उसमें अक्षरों को लिख करके उसके बाद एक अक्षर जैसे अ आ ए कौच टॉप ऑ मतलब वो बीज होते हैं हर आ, जो क्रिया होती है उसका एक बीज होता है हर देवता का एक बीज होता है ठीक है तो उन बीजों को लिख करके फिर मुद्रा बना करके हाँ और फिर मंत्रों के द्वारा उसको हम लोग जागृत करते हैं लेकिन अगर आप जाप माला के लिए किसी चीज़ को प्रयोग कर रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जाप से ही आपका माला जो है वो प्रचंड रूप धारण कर जाए ठीक है हम नाथ पंथ में कानिफ नाथ पंथ में अघोर में हम मालाओं का बहुत प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि जब माला का प्रयोग होता है तो मन और ध्यान माला और गिनती पे आ जाता है ना कि ईष्ट पे इसीलिए अंत में इसी बात से करूँगा कि कोशिश करना है कि बिनी बिना गिनती का सिर्फ ईष्ट पर ध्यान करके आप जो है साधनाओं को करें आज के लिए इतना ही भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग जो भी साधना करें उसमें आप लोगों को सफलता दे के जानकारी हेतु पेड व्हाट्सएप ग्रुप चलता है जिसमें गुरु मंत्र मिलने से पहले जो भी आसन बंधन मंत्र सिखाना है वो हम सिखाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप होता है इसमें आप जुड़ सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए फॉर्मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए उसमें रुद्र मैथर्ड सी एम फोर सर्च कीजिए उसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट गो तंत्र से डॉट कॉम या एक्स वाइज एट पर जाइए उस पर भी आपको अपॉइंटमेंट लेने का विधान बता दिया जाएगा आज के लिए इतना ही भगवान आप तो लोगों की कृपा मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलग